हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटीज। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हमें ट्रेड बनाना है वीकली ओवर बेसिस के हिसाब से किस तरह से ट्रेड किया है, और यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से प्राइस लेवल जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को रिलेटेड डे बेसिस के हिसाब से अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी जो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें ट्रेंड फॉलो अप होते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप यहाँ पर कभी भी ट्रेड करते हो तो वीकली बेसिस के हिसाब से एटलीस्ट आप देख लीजिए कि ट्रेंड किस तरह से फॉलो अप हो रहा है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम जो है हमारा ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। सो वॉट आई एम लुकिंग एट टूवर्ड्स इज दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लोली एंड स्टडली जो है ये जो रूम है, जो वॉलिटिलिटी है वो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। दिस इज़ वॉट्स काइंड ऑफ अजम्पशन, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पहले जो है वॉल्यूम सेक्शन जो है कम देखने को मिला है एंड स्लोली एंड सडनली यहाँ पर बढ़ा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से जो है यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। एंड राइट नाउ इट हैज़ नॉट डेफिनेटली टच दिस प्राइस लेवल, दैट इज 6-7 का जो प्राइस लेवल है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर समझ लीजिए ट्रू होना है तो हम यहाँ पर सिर्फ वेट करेंगे इस प्राइस लेवल के ब्रेक का। दैट इज़ यहाँ पर जो प्रीवियस जो लो देखने को मिला है क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर, वो अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो हमारे डाउन साइड के टारगेट्स होंगे वो स्लोली एंड स्टेडली कवर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर जो वीकली बेसिस के अंदर जो ये वीक लेवल है वो प्राइस लेवल क्या है। अगर हम इसे ध्यान से भी अगर हम देखना चाहें तो 6900 का जो प्राइस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर 6900 का जो प्राइस लेवल है वो अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि स्लोली एंड स्टडली जो है गिरावट यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 50-100 पॉइंट तक का भी फॉल क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजिशन का जो है यहाँ पर हमने आपको सेंटिमेंट पहले से बता दिया है, अब यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं लॉन्ग पोजिशन के लिए। अगर यहाँ पर हमें लॉन्ग बनाना है क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर तो कौन से प्राइस लेवल का यहाँ पर हमें वेट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो गैप्स है वो भी कवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो गैप था वो यहाँ पर हमें इसी सेशन के अंदर कंप्लीट होते हुए देखने मिला है, और यहाँ पर भी जो गैप था वो भी यहाँ पर हमें जो है कवर होते हुए देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से अगर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि यहाँ पर हमें 7166 का जो प्राइस लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करेगा, एंड अबाउट दैट प्राइस लेवल अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो जो है लॉन्ग पोजीशन जो है यहाँ पर बनाई जा सकती है। एज वेल एज यहाँ पर फॉर सेफ ट्रेडर्स अगर यहाँ पर आपको खेलना है तो 7311 या फिर 7312 के प्राइस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पर 15 मिनट की टाइम कैंडल सस्टेन करती है तो भी यहाँ पर आप जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सो मैं होप करता हूँ कि जो की प्राइस लेवल्स जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया डेट इज़ फॉर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, वो यहाँ पर आपने जो है मार्क कर लिए होंगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यहाँ पर ये वीक के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते देखने मिलेगा, और व्हाट आई थिंक कि यहाँ पर हमें इस वीक के अंदर भी क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर एटलीस्ट 5% का जो मोमेंटम होगा, 5-6% तक का जो मोमेंटम होगा वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, या फिर फ्री फॉल होगा, या फिर जो है एक अच्छा खासा जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से एज वेल एज वीकली का जो साइकोलॉजी था फॉर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स उसके लिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो बहुत मददगार रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।